नमस्कार दोस्तों, आज डिजिटल सारथी की टीम खाटवा गांव आई है। यहां पे हमें मिले हैं राजेंद्र सिंह रावत जी, रंगियो से हैं, जो वजीर हैं यहां पे खाटवा मंदिर के। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। मैं ये जानना चाहूँगा सर, जो ये मंदिर है, ये इसकी विशेषता क्या है पौराणिक मंदिर की, और किस तरीके से इसका जो है संचालन का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, यहाँ जो है ये जो मासु देवता का मंदिर है, ये मासु महाराज के लिए समर्पित है। बुठा मासु के नाम से है यहाँ पे, और अनोल में तो चार मासु का है, लेकिन यहाँ पे ये बुठा मासु से है। और ये दुर्गम, काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है खाटवा, जहाँ पे कोई आने जाने का साधन नहीं है। अभी अभी इसी वर्ष 2021 में, 2021 में जो अभी रोड कटी है, अभी हो ही रहा काम इससे। अब आगे देखो क्या होता है। ये क्या से कोई पैदल नहीं आते, इतने 10-12 किलोमीटर, और वो भी पैदल का रास्ता भी ठीक नहीं है, बहुत कठिन काम है, मतलब वगैरह वगैरह कोई आ नहीं सकता है। तो यहाँ का संचालन काफ़ी कठिन है। अब कैसे चल रहा है, इस महाराज की कृपा से ही है जो कुछ चल रहा है, क्योंकि ऐसे दुर्गम क्षेत्र पे कितना चलाना कठिन था उसके जो सर। हाँ जी जी बिल्कुल। तो ये पैदल कितना पड़ता है, अगर पैदल का जो रास्ता था पहले? पैदल से 4-5 घंटे का रास्ता है, और वो भी बहुत कठिन, नीचे पानी पानी का हुआ, पानी खड़ से आना पानी में। अभी जलागम वालों ने थोड़ा कुछ पुल बनाए, तो अभी जो रोड कटी हुई उससे फिर वो भी डैमेज हुए नीचे। अच्छा, और काफ़ी रास्ता ख़राब है। और जहाँ तक व्यवस्था है महाराज की, इसकी तो महाराज ने यहाँ पे पहले ही कही है कि भाई कौन परिवार ठाणी है, कौन परिवार भंडारी है, और खासी से भंडारी भी है, ठाणी भी है, और बनियाना से 6 परिवार जो है ठाणी है, और यहाँ का गांव पूरा ठाणी ठाणी भी है, और 4-5 परिवार जो है भंडारी भी, और एक एक गांव का जो मुखिया वो वजीर है। अब पुजारी कौन कौन है? पुजारी थनता से है, मेन 10 परिवार है, और 3 परिवार पुजारी जो है जोगियों से। विशेषता की मैंने बात करी कुछ, यहाँ पे कुछ विशेषता सर और तो क्या विशेष, लगभग मासु देवता के सब जगह की है, सबकी है, ओनल से ही है, पर यहाँ थोड़ा जागरे की वो थोड़ी बताते हैं कि वो थोड़ा अलग है प्रक्रिया, कि जो महाराज का जो स्नान है वो शुद्ध गाय के, वो उसमें दूध दूध से कराया जाता है, जो जिसमें के अंदर कोई नहीं रहता, और वो स्नान स्नान के बाद जो है अन्य लोगों को भी देख सक दिखा देते हैं कि भाई जिनको देखना होता प्रमाण कि भाई कैसे, मतलब क्या ये महाराज स्वयं स्नान करते हैं? हाँ, स्वयं। वो क्या उसका साक्षात कुछ क्या प्रमाण रहता है? साक्षात ये कि जो दरवाजे के बाहर उनको लग जाता पता, कि जैसे चिड़िया स्नान करती है उस ढंग की आवाज़ आती है, और जैसे आप पानी के बर्तन में सिक्का छोड़ते हैं वैसी आवाज़ आती है। अच्छा, तो उसके बाद जो जो दूध या जब वो उजाला लगाते हैं, वो ये देवदार के वो चिड़के उसका जो है रंका बोलते हैं उस भाषा में, वो जब उसका उजाला लगाते हैं तब अंदर दिख जाता है कि भाई ये जो है दूध पड़ा हुआ है, पीढ़ी में भी पड़ा हुआ है, सिंहासन में लगा हुआ है। अच्छा, तब उसको जो है प्रसाद स्वरूप जितने लोग मंदिर में रहते हैं बाहर उनको दिया जाता है, जिसमें जिस दूध में महाराज ने स्नान किया। पूजा का यहाँ पे क्या क्या समय सारणी है थोड़ा? पूजा का सर ऐसा, पूजा का 4 बजे वही नियम है, विधिवत नियम है 4 बजे सुबह, 4 बजे हाँ नहीं शाम को, शाम को 4 बजे, और संदूर का टाइम है 9 बजे, 9:30 6:30 जिसे कहते हैं। तो पूजारी 4 बजे के बाद 5 बजे 5:30 बजे भोजन होता है, और तब जो है 24 घंटे बाद कल दूसरे दिन होगा। हाँ, हमारे साथ थे राजेंद्र सिंह रावत जी, जो ग्राम रंगियों से हैं, वजीर हैं महाराज के मंदिर में यहाँ पे, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे जो महाराज का मंदिर है। बड़ा भव्य मंदिर बनाया है यहाँ पे खत के लोगों ने और श्रद्धालुओं ने यहाँ पे, इसमें खत बिस्लाड़ का काफ़ी बड़ा सही योगदान है इसमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।